हेलो गाइस, मेरा नाम है नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट। ये दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, इनको हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स नाट का, इसको हम नाम दे देते हैं वाई नाट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट लाइन के लिए। टेंजेंट लाइन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी y2 - y1 = m, एक्स की 2 - x की 1। इसमें से हमने ये स्टेप उठाना था सिर्फ खुद से, ये y2 की जगह पे हमने लिख देना है y - y0 की जगह पे, y1 की जगह पे हमने लिखना है y0। एक और बात, ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, इसका मतलब होता है ये x का है, इसका मतलब होता है ये y का है। तो सो ये x है, ये y है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इनको अपनी तरह से नाम दे दिए गए हैं x0 और y0 का। सो अब यहाँ पर m इसकी जगह पे हम लिख देंगे खुद से x, और माइनस इसकी जगह पे x0। ये स्टेप उठाना है बस। उसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। दूसरा फार्मूला y = y0 + m x - x0। ये फार्मूला हमारे पास डिराइव हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने डेरिवेशन का जो फार्मूला है f(x) वाला फार्मूला, ये डेरिवेशन का फार्मूला उठाने के लिए, ये इस f(x) मतलब ये जो है ना, ये y, ये इसको इसको अपना हम और नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया जी f(x) का, ठीक है। इसको हमने f(x) का नाम दे दिया है। तो f(x) का ये जो एक फार्मूला होता है डेरिवेशन का, ये होता है जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर होता है f(x) + h - f(x)/h। इसको हमने क्या करना है, स्टेप वन में, यानी ये वाली चीज़ हमने करनी है f(x) + h, यानी जहाँ पर x की वैल्यू है वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ h पुट कर देना है। तो ये है जी वैल्यू, हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा जी x + h - 1 का होल की स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा जी +1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है इस फार्मूले को। तो ये हो जाएगा जी a² - b² - c² - 2ab, ठीक है, -2bc - 2ca। तो ये c है, ये a है, तो ये आ जाएगा जी x। ओके, ये हो चुका है फार्मूला ओपन। अब ये +1 ये वाला आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना, कैंसल आउट देखिए हो जाता है। ये +1 है, ये नेगेटिव है, ये हो गया जी कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचता है वो आता है x² - h², ठीक है, +2xh - 2hc लिखा हुआ है मैंने यहाँ, यहाँ तो सी का एस से लिख दिया मैंने, यहाँ तो एक्स आएगा, ठीक है, 2hx और -2x। फिर इसको देख लेते हैं। देखिए ये a² थी, ये b² - c² ये वाला फार्मूला था, a² a + b - c वाला, जिस तरह से फार्मूला होता है ना, इसको हमने ओपन करना होता है। तो ये होता है जी a² - b² - c² - 2ab - 2bc - 2ca। यहाँ पर था माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा, यानी ये a² - b² - c² - 2ab - 2bc लिख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये सी तो यहाँ पर है जी 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये एच आ जाएगा, bc - 2ca, ठीक है। तो ये सी है, ये ए है, तो सी ये 2x आएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बस। उसके बाद हमने क्या करना, स्टेप टू के अंदर हमने क्या करना होता है, f(x) + h - करना होता है f(x) को। तो जी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली लिख देंगे यहाँ पर हम x² - h² + 2xh - 2h - 2x, साथ में क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ माइनस करेंगे f(x) की वैल्यू ये है। हमने इस y को नाम दिया f(x) का, f(x) की वैल्यू ये है x - 1 का स्क्वायर
एक्स माइनस वन का स्क्वायर यहाँ प्लस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसको ओपन करते हैं, एक्स की दो जमा एच की दो जमा दो एक्स एच माइनस दो एक्स माइनस, अभी ये खड़ा है ठीक है, अभी इसके फार्मूले को ओपन करना है, इसके ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी और प्लस वन। अब ये आ जाएगा एक्स की दो जमा एच की दो जमा दो एक्स एच माइनस दो दो एक्स, ये माइनस एक्स की दो माइनस वन जमा दो एक्स प्लस वन। अब इसमें कैंसल आउट करेंगे, ये हो गया कैंसल आउट और ये हो गया कैंसल आउट और ये हो गया कैंसल आउट। बाकी यहाँ से बचता है हमारे पास एच की दो प्लस टू एक्स एच माइनस टू एच, जो थर्ड स्टेप हमने उठाना है, थर्ड स्टेप स्टेप थर्ड, इसमें हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है एफ ऑफ एक्स एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना होता है एच से। तो ये हम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इसकी, ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ हम लिख देंगे प्लस टू एक्स एच माइनस टू एच ओवर एच। अब मज़ीद हमने इसको क्या करना है, ये एच की वैल्यू, इसको यहाँ एच कामन ले लेना, एच कामन ले लेना है, एच आ जाएगा प्लस टू एक्स माइनस टू आ जाएगा ओवर एच, ये एच एच से कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्टेप थ्री का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एच प्लस टू एक्स माइनस टू। अब हमने स्टेप फोर करना है, स्टेप फोर, और इसमें हमने क्या करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो। अब ये जो चीज़ है इसमें लिमिट पुट करनी है हमने, यहाँ हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे एफ, और यहाँ लिमिट पुट करो ये ज़ीरो हो जाएगा, बाकी दो और एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये इसको इसको कहा था ना, ये एक्स होता है ये वाई होता है, लेकिन ये खुद से हमने नाम दिया था एक्स नॉट एक्स वाई नॉट, तो ये एक्स है, तो इसकी एक्स की वैल्यू वन है, तो वन इसकी वैल्यू वन लिखेंगे माइनस टू, तो ये तो एक बार दो माइनस दो ये इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम दोबारा एफ ऑफ एक्स को नाम देने वाले एम का, यानी एफ ऑफ एक्स को हमने दोबारा नाम दिया एफ ऑफ एम का, ओके, तो एफ ऑफ एम या लिखो भी ना, डायरेक्ट पुट कर दो, ये जो वैल्यू आए m इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, स्लोप की। हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो था जी ये वाला y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई इक्वल टू वाई नाट, वाई नाट की जो पॉइंट में दी गई थी वैल्यू, वो पॉइंट में जो वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू कौन सी थी, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाई नाट की वैल्यू है वन और एक्स नाट की वैल्यू भी है वन, तो वाई नाट की वैल्यू है जी वन और एम, एम की वैल्यू हमने ज़ीरो फाइंड की है, एक्स की वैल्यू एक्स का एक्स माइनस इसकी वैल्यू वन। अब जी ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वन और ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई को ज़ीरो कर देगा, ये आ चुकी है जी वाई की वैल्यू हमारे पास, मतलब कि ये किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, टेंजेंट लाइन की, ठीक है, पहले हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड की थी, एम इज इक्वल टू क्या था, एम इज इक्वल टू ज़ीरो था, ये एम इज इक्वल टू ज़ीरो ये हमने फाइंड की थी, ये थी स्लोप की वैल्यू, अब ये टेंजेंट लाइन की वैल्यू, ठीक है, ये दो आ चुकी है हमारे पास फिगर्स। अब हमने दोनों का इकट्ठे क्या बनाना है, स्लोप, स्लोप बनाना है हमने। अब स्लोप बनाना पता कैसे, ये देखें ये ऐसे, ये ऐसे, अब हमने क्या करना, नंबरिंग देनी है जी, नंबरिंग देनी है जी, नंबरिंग देनी है, इसको हम कह देते हैं ये है जी वन है, ये है जी,
इसको नंबरिंग, चलो यहाँ पे एक और बना देते हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ इसको नंबरिंग देते हैं, एक की इसको नंबरिंग देते हैं, दो की इसको नंबरिंग देते हैं, तीन की इसको माने वन की, इसको माने टू की, इस तरह से। अब ये जो लाइन खींची है ना, एक्चुअली ये मैंने खींची है टेंजेंट लाइन, स्लोप बनेगा यहाँ। ये है जी वन की, ये है जी टू की, ये है जी थ्री की वैल्यू, ठीक है, उस तरह से सो ऑन ऊपर तक। अब हमारे पास जो स्लोप है ना वो जीरो से स्टार्ट होगा, और जीरो हमेशा होता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। स्लोप हमने जीरो से स्टार्ट करना है, तो स्लोप को बनाएंगे इस तरह से, स्लोप बनेगा कुछ इस तरह से। इस तरह से स्लोप बनेगा, जीरो जीरो पे बनाना है ना स्लोप, ये जीरो बन गया जी, जीरो वैल्यू थी इसकी। अब ये जी टेंजेंट लाइन, ये जो मैंने खींची हुई है इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन मतलब वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये वन पे हमने खींच ली टेंजेंट लाइन भी, और जीरो से ही हमने स्लोप भी स्केच कर लिया, तो वाई इज इक्वल टू वन यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, ये वही वाला पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया गया था, बस यही कुछ है।